स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा और वक्त हो चला है स्पेशल रिपोर्ट का। और आज पहली खबर क्रिकेट की दुनिया में चल रही चर्चाओं को लेकर। जी हां, आजकल आप हर जगह एक ही चर्चा पा रहे होंगे, वो है क्या विराट कोहली जून में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे। वैसे तो विराट जिस कद के खिलाड़ी हैं उनको टीम से बाहर करना बहुत मुश्किल फैसला हो सकता है, लेकिन क्या सेलेक्टर्स इस बार ऐसा करने जा रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। ओ भाई, वो बंदा देखो यार, आप जो बंदा जिसका इंतजार ओवर टू बिलियन पीपल कर रहे हैं। क्या विराट पर बड़ा फैसला आने वाला है? क्या विराट होंगे वर्ल्ड कप से बाहर? So it's not like that के कोहली को ड्रॉप किया जा रहा है। अगर उसको जो सिलेक्ट नहीं करता है तो डेफिनेटली क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह समझता होगा, हम शायद उतना नहीं समझते। क्या विराट के साथ होगा खेला? नॉर्मल लोगों को तो राजाओं से डर लगेगा, वो है ही किंग कोहली। है ही तो किंग कोहली, क्रिकेट व्हाइट बॉल क्रिकेट में किंग, फिटनेस सब कुछ। विराट कोहली है। जिस विराट की दुनिया दीवानी है, जिस विराट के पास रनों का अंबार है, जो मौजूदा दौर के सबसे महान क्रिकेटर्स में एक माने जाते हैं, तीनों ही फॉर्मेट के लगभग सारे बड़े रिकॉर्ड्स जिनके कदमों में है, क्या टीम इंडिया 2024 वर्ल्ड कप में उनके बिना उतरने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं, या ये कहें कि उनको टीम से बाहर किया जा सकता है। और इसी खबर पर सोशल मीडिया से लेकर सरहद पार तक घमासान मचा हुआ है। दरअसल इन रिपोर्ट्स के मुताबिक सिलेक्टर्स T20 वर्ल्ड कप 2024 में विराट कोहली को टीम में रखने के विचार में नहीं है, जिसकी वजह USA और वेस्टइंडीज की धीमी पिचों को माना जा रहा है। माना जा रहा है कि विराट की बैटिंग टेक्निक इन पिचों पर टीम के लिए कारगर साबित नहीं होगी। टीम में जगह बनाने के लिए विराट को IPL 2024 में उच्च स्तर का प्रदर्शन करना होगा। इस खबर के बाद फैंस भी भड़के नजर आए। कई फैंस ने सोशल मीडिया पर सिलेक्टर्स पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है, तो वहीं विरोध की आवाजें पाकिस्तान से भी उठी। अल्टीमेटली तो वो वर्ल्ड कप खेलेंगे, हमें पता है। इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही आदमी है जिसके नाम से क्रिकेट चल रही है, उसका नाम है विराट कोहली। अच्छा, विराट कोहली चला जाएगा, हनीफ मोहम्मद चला गया, इमरान खान चला गया, गवास्कर चला गया, एलन बॉर्डर चला गया, ग्रेग चैपल चला गया, विव रिचर्ड चला गया, मोहसिन भाई चले गए, क्रिकेट चल रही है, लेकिन विराट कोहली जाएगा तो क्रिकेट बंद हो जाएगी। मतलब इंतहा है यार, मतलब बायसनेस की है मोहसिन भाई, ओलंपिक में लेके गया क्रिकेट, इंतहा है बायसनेस की। मतलब तो मैं ये कहूंगा नहीं चल रही, लेकिन मैं आज की तारीख में आई थिंक, अगर मैंने कहा ना, अगर वो बेस्ट नहीं तो वन ऑफ द टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड है, और जो उसको अगर नहीं सिलेक्ट करता उसके पीछे क्या वजूहत है। देखिए, हम सिर्फ क्रिकेट को इस वक्त एनालाइज कर रहे हैं, हो सकता है अंदर कुछ और खिचड़ी पक रही हो, लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि जो थोड़ी सी भी क्रिकेट को समझता हो वो जिंदगी भर विराट जैसे प्लेयर को कभी ड्रॉप नहीं करेगा। विराट कोहली ने पिछले T20 वर्ल्ड कप में मेलबर्न में ऐतिहासिक पारी खेलते हुए पाकिस्तान को रोमांचक मैच में मात दी थी, जिसके बाद फैंस एक बार फिर भारत पाकिस्तान मैच में विराट को देखना चाहते हैं, वो भी तब जब पहली बार ये मैच अमेरिका में होने जा रहा है। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि विराट के पास आखिरी मौके के तौर पर IPL ही है। विराट कोहली ने पिछले वर्ल्ड कप के बाद से सिर्फ 2 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इसके अलावा विराट पिछले 2 महीने से ब्रेक पर भी हैं। विराट ने निजी कारणों का हवाला देकर टीम से ब्रेक मांगा था। विराट कोहली ने आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला 17 जनवरी को अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था। विराट को लेकर ये रिपोर्ट्स कितनी सच्ची हो सकती हैं, इस पर अटकलें इसलिए भी गर्म हैं क्योंकि BCCI सचिव जय शाह ने विराट के वर्ल्ड कप में शामिल होने के सवाल पर कहा था कि वो आने वाले समय में उनकी भूमिका तय करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा को कप्तान के तौर पर ऐलान पहले ही कर दिया गया था। भले ही हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता लेकिन हमने दिल जीता, लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। अब कोहली के पास T20 वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए IPL इकलौता जरिया है,
अगर कोहली आईपीएल 2024 में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया जा सकता है। अटकलें ये भी हैं कि रिंकू सिंह, तिलक वर्मा और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों को टीम में मौका दिया जा सकता है। वहीं अगर विराट के टी20 वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड की बात की जाए तो उन्होंने अब तक 27 मैचों में 81.50 की औसत से 1141 रन बनाए हैं। तो वहीं पिछले टी20 वर्ल्ड कप में 6 मैचों में 296 रन बनाए थे, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ खेली 82 रनों की नाबाद पारी भी शामिल। ऐसे में इन रिकॉर्ड्स के बावजूद विराट को वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट से बाहर रखना बहुत बड़ा फैसला हो सकता है, वो भी तब जब अमेरिका में हजारों फैंस विराट को पाकिस्तान के खिलाफ देखने के लिए बेताब। ब्यूरो रिपोर्ट, जीमी।